आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज से वसीम की रिपोर्ट। अमेठी, रंजिश के चलते पत्रकार के साथ मारपीट का मामला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कल पत्रकार मनीष सिंह के साथ हुई थी मारपीट, घायल पत्रकार का लखनऊ में हो रहा है इलाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर 151 की कार्यवाही की। जायस कोतवाली क्षेत्र के खरोली का है मामला। अमेठी से ब्यूरो चीफ वसीम की रिपोर्ट। आज थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा एक दोहरी सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो टॉप 10 अपराधी चिन्हित किए गए हैं, वांछित हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है गिरफ्तारी का। इसी निर्देश के क्रम में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा दो अलग अलग अभियुक्त अरेस्ट किए गए हैं। प्रथम अभियुक्त हैं वो जिला बदर हैं, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले की रही है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें जिला बदर घोषित किया गया था। जिला बदर होने के बाद भी सूचना मिली कि ये लुक छिप करके जिले के सीमाओं में प्रवेश करते हैं और रहते हैं। इसी सूचना पे दबिश दे करके उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो चंडरिया के रहने वाले महफूज नाम है। ये जिला बदर अपराधी थे और उनकी आज अरेस्टिंग की गई है। दूसरा एक मामला है जिसमें दो चोरी के मामले जिनका खुलासा हुआ था वर्कआउट के बाद, इनका नाम प्रकाश में आया था, गंगाराम उर्फ दाऊ। ये भी थाना क्षेत्र संग्रामपुर के ही रहने वाले हैं और इनकी करीब पिछले 8-9 महीने से तलाश थी। ये वांटेड थे दो मामलों में, जिनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 12,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। इनको भी कल सूचना मिलने पे अरेस्ट किया गया है और इस तरह से एक 12,000 की इनामी अपराधी और एक जिला बदर अपराधी, दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा और ये दोहरी सफलता मिली है, जिसके लिए मैं पूरी पुलिस